नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज दिनांक 9 दिसंबर 2020 में कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में कोरोना की जांच का आयोजन प्रमुख सचिव ग्रामीण उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ के कुशल दिशा निर्देशन एवं जिला अस्पताल रानी की सराय के सहयोग द्वारा कोविड 19 की जाँच हेतु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के सह अधिष्ठाता प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह ने प्रमुख सचिव के रविन्द्र नायक, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उनके टीम को धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया। जिला अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानी की सराय से डॉक्टर दिवाकर वर्मा, सुशील कुमार मौर्य, हरिलाल लैब तकनीकी, प्रवीर सिंह लैब असिस्टेंट, रामनवल मौर्य वार्ड बॉय के द्वारा महाविद्यालय के सह अधिष्ठाता प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह, सभी सहायक प्राध्यापकगण, कर्मचारियों एवं परिसर में आवासीय परिवारों के सभी सदस्यों सहित 45 व्यक्तियों की कोरोना की जांच हुई। सरकार द्वारा समय समय पर कोरोना की जांच हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय के सभी कार्मिकों ने जिला अस्पताल रानी की सराय से आई हुए सभी कोरोना वॉरियर्स का ताली बजाकर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़, जो कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यक्ष के अंतर्गत संचालित हो रहा है। इस कृषि महाविद्यालय परिसर में आवासित सभी लोगों का आज कोविड-19 के अंतर्गत कोरोना का जांच कराया गया। हमारे कुलपति जी का निर्देश रहा है कि सभी लोग अपना कोरोना का जांच करा लें। उसी संदर्भ में आज जो है ये आयोजन किया गया है और इसमें हमें जिला प्रशासन से पूरा सहयोग मिला है। साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और आज हमारे सारे वैज्ञानिकों, परिसर में आवासित सभी बच्चों तक के सैंपल्स को कलेक्ट किया है और आगामी दिनों में, कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, तो उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। सर, कितने लोगों का लगभग लगभग यहाँ पे 40 से 45 के बीच में संख्या हमारी है। सभी लोगों का कोरोना टेस्ट आज संपादित कराया गया है।